कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी, अबाउट 70%, 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेस होते हैं, है ना, उन सब के लिए वाटर जरूरी है। वाटर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर बॉडी। आपके बुक में बहुत सारा वाटर का ये रोल दिया हुआ है। पिछली बार भी हमने आपको ये दिया था, याद करने के लिए बोला था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाटर प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर बॉडी। रफेज, रफेज मीन्स फाइबर। फाइबर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फाइबर का कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरह से? तो ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल को स्वीप करता है, यानी पोछा लगाता है, साफ करता है, और इस तरह से कंस्टिपेशन को दूर कर जा करता है, कब्ज को दूर करता है। तो रफेज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये रफेज सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल को साफ करने में काम आता है। तो लैक ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, यदि इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए हमारे फूड में, तो काउजेज सम डिजॉर्डर्स, कई तरह के डिजॉर्डर्स पैदा होती है, डिजॉर्डर इन आवर बॉडी, जिसको कि हम लोग रोग कहते हैं, कॉल डिफिशियंसी डिजीज। इन विटामिन्स और मिनरल या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब की कमी से जो बीमारियां होती हैं, उनको हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। जैसे एनीमिया, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से एनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस, यदि विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी, रात में नहीं दिखना। अस्कर्वी, ये चर्म रोग है, विटामिन सी की कमी से होता है। ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से होता है ना। रिकेट्स, बोन्स कमजोर हो जाते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। मेरेस्मस, ये बच्चों में लीन एंड थीन हो जाता है, बच्चा उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। इस तरह से बहुत सारे डिफिशियंसी डिजीज हैं जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा फूड, देयरफॉर वी शुड हैव अ डाइट कंटेनिंग द राइट